हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उससे पहले मैं जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पार्ट वन जरूर देखें ताकि आपको पार्ट टू आसानी से फिर समझ में आए। ठीक है, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है कि हम उसको सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में क्लासिफाई करें, और दूसरा तरीका है हम उसको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासिफाई करें। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। ठीक, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस भी क्या है, मैटर का ही फॉर्म है। ठीक, और मैटर होता क्या है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका मास होता है वो मैटर है। ठीक, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये मैटर है, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो मैटर है, मेरे हाथ में मार्कर है ये मैटर है। ठीक, तो उसी में हम बात करेंगे अब अलग अलग टाइप के मैटर्स की। तो एक क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो उसमें हम बात करते हैं पहले सॉलिड की। ठीक है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड इज द रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, इस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है कि जो सॉलिड है वो रिजिड फॉर्म का मैटर है। रिजिड मतलब हार्ड। ठीक है, हार्ड जो सबसे जो मैटर इस टाइप का हो, जो हार्ड हो फील करने में, जिसको ऐसा लगे कि वो हार्ड है। ठीक है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये क्या है, सॉलिड है क्योंकि ये हार्ड है। ठीक, अब ये हार्ड क्यों है, क्यों, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम कल वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हमने बात करी थी। एक डिजाइन लिया था, उसमें हमने बॉल्स कंसिडर करी थी। ठीक, अगर उसी डिजाइन में जो बॉल्स रखी हुई है, ये बहुत पास पास रखी हुई है। ठीक है, तो बहुत पास पास रखी हुई है तो क्या होगा, इसके अंदर जगह कम बचेगी। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, मतलब इन बॉल को हिलने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इनको अपनी पोजीशन से हिलने का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो सॉलिड में क्या होता है, जो अब अभी बॉल्स जो थी क्या शो कर रही थी, एटम्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सॉलिड में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। ठीक, और उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। ठीक, जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं या रिजिड होते हैं। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जब बॉल्स को हमने बहुत क्लोजली रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन बॉल्स में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। ठीक है, अट्रैक्शन यानी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये बहुत पास पास में। ठीक, तो इस टाइप का जो मैटर होता है उसको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लिक्विड्स की। तो जो लिक्विड होता है उसको अगर डिफाइन करने की बात करें तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, लिक्विड इज द फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो लिक्विड जो है फ्लूइड फॉर्म का मैटर है, जो मैटर फ्लूइड फॉर्म में होता है उसको हम लिक्विड कहते हैं। फ्लूइड मतलब जो आसानी से फ्लो कर सकता हो। ठीक, तो लिक्विड क्या है, फ्लो कर सकता है, तो उसको हम, ऐसे मैटर को हम लिक्विड कहते हैं। अब अगर इसको भी आप एग्जाम्पल के साथ देखें तो यही डिजाइन अगर हम फिर से एक बार कंसिडर करें, लेकिन अब क्या करें, बॉल्स को थोड़ा थोड़ा अलग अलग दूर दूर रख लें हम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इनको अब इनके बीच में स्पेस बढ़ गया है। ठीक, मतलब इन बॉल्स में अभी दोस्ती तो है, लेकिन उतनी गहरी दोस्ती नहीं है जितनी सॉलिड्स में थी। ठीक है, इन बॉल्स के बीच में, तो अब ये दूर दूर हो गया तो इनके बीच में स्पेस है। ठीक, और इनके बीच का जो मतलब इनके बीच की जो दोस्ती है वो भी इतनी गहरी नहीं है, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजबूत नहीं है और इनके बीच में स्पेस भी है। ठीक है, तो ये उतने क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं, ये बॉल रिप्रेजेंट कर रही है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उतने क्लोजली पैक नहीं होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके तीसरे फॉर्म की, गैसेस। ठीक, तो गैसेस को अगर डिफाइन करें तो गैसेस आर द फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये भी फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, यानी ये भी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब यहां अगर कंसिडर करें
वही एक डिजाइन कंसिडर करते हैं। अब बॉल्स को हमने और दूर दूर रख लिया, ठीक है, अब क्या हुआ, इनके बीच की दूरी भी बढ़ गई, यानी इनकी दोस्ती अब उतनी ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक है, और इनके बीच का अट्रैक्शन भी अब कम हो गया और इनके बीच की स्पेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो गैसेस होते हैं उसमें एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होता है वो भी बहुत वीक होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मैटर होगा उसको हम गैस कहते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जांपल भी देखें तो साथ में एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इस टाइप का कुछ भी वुड, ठीक है, कुछ भी आपको जिसमें पार्टिकल्स क्या दिखते हैं आपको, बहुत पास पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास दिखते हैं, वो हो गया। तो ये हो गया एक इसका एग्जांपल हो गया वुड, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें लिक्विड की तो यहाँ पे हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और गैसेस में लेना है तो कोई सी भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मैटर के एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ये बॉल्स हैं इनको हम जनरली मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है, नहीं देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ वहां मिलते हैं हमें फ्री स्टेट में देखने को जहां पे नोबल गैसेस होती हैं। तो नोबल गैसेस में एटम अलग अलग देखने को मिलते हैं, वरना बाकी जगह पे एटम्स कंबाइंड फॉर्म में ही दिखते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही दिखते हैं। तो इनको हम एटम्स ना बोल के मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो जो सॉलिड्स होते हैं तो इनके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है वो स्पेस नहीं होता उतना, ठीक है। लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है, गैसेस में जो होता है बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक। तो जिसकी वजह से सॉलिड्स का जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है, ठीक, लिक्विड का जो होता है शेप वो डेफिनेट नहीं होता है, और गैसेस का भी जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता, ठीक। इसका वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वो डेफिनेट होता है, और जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है, और जो गैसेस हैं उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड्स को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, तो इसको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को, ठीक। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को फिलहाल ऐसे समझना हैवीनेस, ठीक है, हैवीनेस मतलब भारी, कौन ज्यादा भारी है, ठीक है, फिलहाल डेंसिटी को ऐसे ही कंसिडर करो। तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड्स की ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होगी, ठीक, लिक्विड्स की सॉलिड से कम होगी लेकिन गैसेस से ज्यादा होगी, और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक। अब बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, और जो गैसेस होते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, एक एक तरीके से टाइप वन समझो इसको, कि एक तरीके का क्लासिफिकेशन। एक और तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने इसमें इस पार्ट में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।